अच्छा तो आज हम कर रहे हैं इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है सर्च प्राइवेसी अपडेट एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब ये इसमें कुछ ऑप्शन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो लेस इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम सर्चिंग में करें तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब आप कोई भी चीज सर्च करें इंटरनेट पर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करते हुए इंटरनेट पर कोई भी चीज एक्सेस करें तो क्या सर्चिंग फिल्टर किस तरह का रखा जाए। मतलब पहला है स्ट्रिक्ट, दूसरा मॉडरेट, तीसरा ऑफ। स्ट्रिक्ट में क्या है कि भाई अगर आप कोई भी कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो जितना भी ऑडल्ट टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है, उनको सही तरह से सर्च ना करें और आपको वो रिजल्ट ना दिखाए। अगर आप मॉडरेट पे रखेंगे तो फिल्टर इमेजेस और वीडियो नहीं दिखाए, बाकी जो भी टेक्स्ट है वो आपको दिखा दे। और अगर ऑफ कर दीजिए तो फिर चाहे अडल्ट कंटेंट में मूवीज हो, वीडियोस हो, टेक्स्ट हो, तीनों चीजें आपको ये बरवक्त दिखाएगा। जो भी सेफ साइड आप अपने लिए रखना चाहेंगे कंप्यूटर पे उसको वहां पे से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अलाउ विंडोज सर्च प्रोवाइड रिजल्ट्स फ्रॉम द ऐप सर्विसेज दैट यू आर साइन इन टू विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अब वो हमने जब यूजर अकाउंट को लॉग इन किया था तो उसमें हम अपना जीमेल का आईडी लगाते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का आईडी लगाते हैं विंडोज में, तो उसकी जो सर्चिंग रिजल्ट है वो आपको आपके अकाउंट पर दिखाए या ना दिखाए, ये दो ऑप्शन के लिए ऑप्शन है। वैसे इनको हम यूज नहीं करते, ऑन रखें ऑफ रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे खास आपके लिए फिलहाल। हिस्ट्री, जो भी डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं उसकी ये हिस्ट्री आपको दिखाए या ना दिखाए, मतलब उसकी हिस्ट्री मेंटेन करे या ना करे। अगर चाहते हैं हिस्ट्री मेंटेन करे तो ठीक है, वरना आप जितनी हिस्ट्री इधर मेंटेन की उसको क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, तो फीचर को ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर्चिंग विंडोज। ये तो हो गया इंटरनेट से रिलेटेड ऑपरेशन है। अब विंडोज मतलब आप ये विंडोज के अंदर रहते हुए जो सर्च कर रहे होते हैं उस पर कह रहे हैं कि उस पर कुछ भी नहीं करना आपने, जब जैसा है ये उसको वैसे ही रहने देना, और जो खास उसके अंदर चेंजेस आपने नहीं करनी क्योंकि फिर ये उसको सबकी सेटिंग है। हाँ, प्राइवेसी में क्या दिया है इन्होंने, देखिए प्राइवेसी कहते हैं कि वो ऐसा अमल जिसमें आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझ रहे हैं और समझ के थोड़ा सा काम कर लेना। जैसे ये कुछ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑन होते हैं। अब जब ये ऑन होते हैं तो क्या मकसद है, कह रहे हैं लेट वेबसाइट प्रोवाइड लोकली रिलेवेंट कंटेंट बाय एक्सेसिंग माय लैंग्वेज लिंक्स, लेट विंडोज ट्रैक ऐप लॉन्चेस टू इंप्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट्स, शो बी सजेस्टेड कंटेंट इन द ऐप सेटिंग, और लेट ऐप योर एडवर्टाइज लेट ऐप यूज एडवर्टाइज आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू योर बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी, टर्निंग दिस ऑफ विल रीसेट योर आईडी। चेहरा ये है कि पहले ऑप्शन में कि जो भी आईडी आपका इस पे लगा हुआ है इस विंडोज के ऊपर, जैसे अकाउंट से आप लॉगिन है, जो भी आपका जीमेल का या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जिससे आप कनेक्टेड है उसको ये एक्सेस करें, और उसके मुताबिक जो आप उस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो जो एप्स आप यूज कर रहे हैं वो ये वॉच करें, और उसके मुताबिक आपको अगली और एप्स और एडवर्टाइज और इस तरह की चीजें दिखाए। मतलब ये हमारा डेटा एक्सेस करने की परमिशन है, अगर मैं देना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं देना चाहता तो। फिर कह रहा है कि जो भी लोकल लैंग्वेज मेरी यहाँ से सिलेक्टेड है उसको एक्सेस करें और उसके मुताबिक मुझे एड्स या वेबसाइट्स दिखाए, अगर मैं एक्सेस देना चाहता हूँ तो ठीक है वरना मैं ऑफ कर देता हूँ। तीसरा कह रहा है कि फिर विंडोज ट्रैक करें उन एप्स को और उनको इम्प्रूवाइज करें रिजल्ट के अंदर, मतलब यहाँ पे सर्च में उनको बेहतर तरीके से आपको ला के दिखाए। जैसे कोई भी ऐप है, जैसे हमने यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा तो व्हाट्सएप की ऐप को जल्दी से सर्च करके सामने दिखा दे। अगर मैं विंडोज को ही परमिशन देना चाहता हूँ कि हाँ भाई भले सर्च में वो ऐप भी लाके मुझे दिखाए तो ठीक है, वरना इसको ऑफ कर सकते हैं। शो बी सजेस्ट कंटेंट इन द ऐप सेटिंग्स, अब ऐप की जो सेटिंग्स है उनमें मुझे नए नए कंटेंट सजेस्ट करेगी, ये इंस्टॉल कर लो, ये इस तरह से कर लो, ये भी फीचर अगर आप अवेल करना चाहते हैं ठीक है, वरना इसको ऑफ कर सकते हैं। अब स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वही है जिसके अंदर आप बोल रहे थे कल, इसको ऑन करना है, ये ऑन हो जाएगा। फिर आप इसको स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग बाय वॉइस क्लिपिंग, आप फिर इसके साथ यूज करना चाहते हैं ठीक है, नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दे। इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, ओ हाँ ठीक है,
getting to know, use your typing history and handwriting patterns to create a personal dictionary, and that might matter suggestion for you. When this is switched off, your personal typing and linking dictionary will be cleared. अब ये क्या कह रहा है? अगर इसको मैंने ऑन किया तो आप नोट करें कि जब भी मैं यहाँ टाइप करूंगा, यहाँ देखिए कुछ ऊपर सजेशन आ रहे, ठीक है, तो ये सजेशन जो ऊपर आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं, कह रहा है कि अगर आप ये ऑन रखेंगे तो हम आपकी जो भी टाइप करते हैं उस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और आपकी एक डिक्शनरी बना देंगे ताकि आपको उन्हीं वर्ड से रिलेटेड सजेशन दिए जा सके, ताकि आपको बार बार राइट ना करना पड़े, आप ऊपर से पिक कर ले, ठीक है। अवेल करना चाहते ऑन करें, नहीं करना चाहते इसको ऑफ कर दें। डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक, अब ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक डेटा सेंड ओनली इन्फो अबाउट योर डिवाइस इट्स सेटिंग्स एंड कैपेबिलिटीज वेदर इज परफॉर्मिंग प्रॉपरली। ये जैसे विंडोज जिस कंपनी ने बनाया ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, उसने एक चेक लगा रखा है हमारे इस विंडोज के अंदर, क्या कि अगर ये डिवाइस वगैरह सही काम कर रही है तो इसकी एक रिपोर्ट बनाओ और जब भी ये इंटरनेट से कनेक्ट हो तो वो पीछे से उनको भेज दे। अब रिपोर्ट दो तरह की है, एक में तो खाली सेटिंग्स और कैपेबिलिटी भेजेगा, दूसरा क्या क्या भेजेगा, जो जो वेबसाइट्स आपने एक्सेस करी, कौन कौन सी ऐप को आपने चलाया, कौन कौन से फीचर्स को यूज किया, प्लस में डिवाइस की हेल्थ एक्टिविटी क्या क्या करी आपने इस डिवाइस पर, और एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोस्टिक डेटा विल ऑलवेज बी इंक्लूड विद योर चूज टू सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा। मतलब पूरी डिवाइस की हिस्ट्री भेज देगा जो भी हम इस पे काम करते हैं। तो अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो डिवाइस की सेटिंग्स और कैपेबिलिटीज की रिपोर्ट भेजे, या ये सारी रिपोर्ट भेजे, चॉइस आपके ऊपर है। मैंने यही रख रखा है, बाकी सेटिंग्स की सर ना हो। फिर नीचे आ जाए टेलर्ड एक्सपीरियंस, माइक्रोसॉफ्ट डायग्नोस्टिक डेटा के जरिए जानना चाह रहा है और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाह रहा है कि आप और बेहतर तरीके से इसको यूज कर सके। अगर चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सजेशन दे तो यहाँ से ऑन कर ले। डायग्नोस्टिक डेटा को देखना चाहते हैं, टर्न ऑन द सेटिंग टू सी योर डेटा इन डायग्नोस्टिक डेटा व्यूअर, और ये डेटा है 1 GB का स्पेस लेगा। मैंने कहा यार मैं तो नहीं देखना चाह रहा, तो ऑफ कर दिया। अब डायग्नोस्टिक डेटा की जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो कब बनाई है इसने, 8 दिसंबर 2023 को। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ से क्लिक करके डिलीट करो, ठीक है, फिर से बनाएगा। और ये कह रहा है व्हाट शुड आस्क फॉर फीडबैक, फीडबैक के लिए आपसे पूछे या नहीं पूछे। मैंने कहा नहीं पूछे, बाद में जाए। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी हिस्ट्री। एक्टिविटी हिस्ट्री में क्या है कि ये जो मेरा आईडी लगा हुआ है ना जीमेल का इस डिवाइस के ऊपर, जो जो मैं डिवाइस पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक्सेल खोल रहा हूँ, इंटरनेट पर एक्सेस कर रहा हूँ, वो सब हिस्ट्री मेंटेन हो रही है इस आईडी पर। उस हिस्ट्री को अगर क्लियर करना है आईडी से, डिवाइस से नहीं, डिवाइस से तो हम पहले कर चुके हैं। अब आते हैं ऐप परमिशंस के ऊपर। ऐप परमिशंस क्या है? देखिए बहुत सारी एप्स विंडोज 10 में दी गई हैं, जैसे हमारे मोबाइल में होती है, अगर हम उनको यूज नहीं करते या उनकी परमिशन लेवल सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? जैसे लोकेशन की ऐप है, अब लोकेशन में अपनी डिवाइस की ऑन रखना चाहता हूँ या ऑफ, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, ऑफ कर सकते हैं, ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट लोकेशन भी सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर अपनी जगह की, जिस जगह आप रहते हैं, फिर उसके लिए फिर आपको सेट लोकेशन पर जाना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर अपनी लोकेशन डालनी पड़ेगी, तो वो आपकी लोकेशन वहाँ पे सेट हो जाएगी डिफॉल्ट। मतलब कहीं भी हम घूमे फिरे बस वो जो लोकेशन यहाँ सेट है दूसरों को वही दिखाएगा। क्लियर लोकेशन हिस्ट्री, अब तक जो लोकेशन रिकॉर्ड की है इसने वो आपने क्लियर करनी है। क्लियर हो गया। ओके, कैमरा की ऐप। अब कैमरा आपके लैपटॉप में लगा हुआ है तो आप कैमरा की ऐप को एक्सेस करके कैमरा को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर कैमरा नहीं लगा हुआ, डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर कैमरा नहीं लगा हुआ तो ये ऐप फजूल में चल रही होती है। जब चल रही होती है, लोड होती है, तो मेमोरी में जगह भी लेती है, जिससे सिस्टम को हैंग भी करती है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिर ये ऐप नहीं और अनोन। माइक्रोफोन की ऐप, ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में माइक्रोफोन नहीं लगा तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन रन नहीं होगी। वॉइस एक्टिवेशन की ऐप, हम यूज ही नहीं कर रहे वॉइस एक्टिवेशन को, तो मैंने ऑफ कर दिया। तो नोटिफिकेशन आ रहे होते धड़ाधड़, मैंने ऑफ कर रखे, इसलिए नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा।
अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफ कर रखी है कि भाई मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन कहीं भी डिस्प्ले नहीं की जाए। कॉन्टेक्ट की ऐप, क्योंकि हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कॉन्टेक्ट की ऐप को यूज नहीं करते तो इसको ऑफ कर रखा है। कैलेंडर की ऐप को ऑफ कर रखा है। फोन कॉल्स हम नहीं करते तो ऑफ कर रखा है। कॉल हिस्ट्री की ऐप को यूज नहीं करते तो ऑफ कर रखा है। ईमेल की ऐप को यूज नहीं कर रहे ऑफ कर रखा है। टास्क इसको ऑफ कर रखा है। मैसेजिंग नहीं कर रहे, रेडियो नहीं सुन रहे, बैकग्राउंड में ये फजूल की ऐप चल रही होती है, ये हमने यहाँ से इनको ऑफ कर रखा है। ठीक है, पिक्चर्स की ऐप को और वीडियो की ऐप को मैंने ऑन कर रखा है, यूज कर रहा हूँ। फाइल सिस्टम की ऐप को मैंने ऑन कर रखा है। ये ऐप मैंने क्यों ऑफ करी है? देखिए, विंडोज 10 को बनाया गया है डेस्कटॉप और स्मार्टफोन दोनों के एतबार से। अभी हम जो विंडोज 10 यूज कर रहे हैं वो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो इन ऐप्स को यूज ही नहीं करते। ये फजूल में बैकग्राउंड में रन होती रहेंगी तो हमारी रैम में जगह ज्यादा लेंगी और हमारे सिस्टम को लैग करेंगी। देयरफॉर मैंने इनको ऑफ कर दिया। व्हेनेवर जब मैं चाहूंगा यूज करना तो मैं इनको ऑफ भी कर दूंगा। ये होगी आपकी प्राइवेसी। अपडेट एंड सिक्योरिटीज के अंदर क्या है? देखिए, जैसे हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, ऐसे हमारा विंडोज भी अपडेट होता है जब उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें दो बातें, एंड्रॉइड हमने बाय कर लिया है मोबाइल के साथ, उसके पैसे नहीं देने, लेकिन विंडोज के पैसे देने हैं आपने, तो ये आपको फिर कुछ दिन में अपडेट होने के बाद कहेगा आपका विंडोज जो है एक्टिवेट नहीं है, उसको एक्टिवेट करें, उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो साल के लिए एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए एक तो यहाँ पे क्लिक कर दे चेक फॉर अपडेट और इंटरनेट से कनेक्ट करो, ये लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करेगा फ्री, इससे आपका इंटरनेट भी यूज होगा, आपके कंप्यूटर का भी स्पेस कंज्यूम होगा। और अभी आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं बाद में करूंगा, तो एडवांस में जाके सारे अपडेट के ऑप्शन को ऑफ कर दें, तो ये खुद से अपडेट नहीं करेगा। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर पीसीज, ये एक ऑप्शन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लोकली कनेक्ट होकर डेटा को शेयर या एक्सचेंज नहीं कर सकेगा, ऑन रखेंगे तो कर सकेगा। विंडोज सिक्योरिटी सेंटर इसका खुद का एक एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन में ये इसका एंटीवायरस है। अब ये एंटीवायरस काम कर रहा हो तो ये बता रहा है कि ये सारी चीजें देखिए इसमें वायरस को नोट किए। अगर आपको अपने कंप्यूटर को स्कैन कराना है तो स्टार्ट एक्शन पे क्लिक करके स्कैनिंग कराना शुरू कर दें, और यहाँ से अगर आपको अपना एंटीवायरस ऑफ करना है तो यहाँ जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और अगर ऑन करना चाहें तो इन सारे ऑप्शन को ऑन कर दें। बाई डिफॉल्ट ये ऑन होता है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अकाउंट प्रोटेक्शन भी यहीं पे मौजूद है, फायरवॉल सेटिंग्स भी है यहाँ पे, लेकिन आप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को ही फिलहाल ऑफ कर सकते हैं। ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल में क्या है? ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको वेब ब्राउजर कहते हैं, ये किस हद तक सिक्योरिटी पे काम करें, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर किसी चीज में वायरस देख रहा है इंटरनेट, यहाँ पे देखता रहेगा, डिस्मिस कर देंगे कुछ चीजों को, तो आप डिस्मिस भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। डिवाइस सिक्योरिटी आपकी काम का नहीं है। डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ में आप देख सकते हैं कि आपका विंडोज का टाइम सेट है, बैटरी की लाइफ में कोई इशू नहीं है, एप्स एंड सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी में इशू है क्योंकि वो फुल हो गई है, ये आपको बता रहा है, फिर उसको कुछ हार्ड डिस्क दूसरी लगाए या फिर उसको खाली कर ले। तो ये आपके हो गए यहाँ से कुछ सिक्योरिटीज के वो ऑप्शन इम्पोर्टेंट, जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के काम को बेहतर बना सकते हैं इसके अंदर। फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करके ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फाइंड माई डिवाइस अगर आप ऑन कर देंगे, इसको चेंज पे ऑन रखेंगे, तो यहाँ पर होगा ये कि ट्रैक योर डिवाइस इफ यू थिंक यू हैव लॉस्ट, इवन इफ यू हैवंट फाइंड माई डिवाइस प्रोडक्टली ट्रैक योर डिवाइसेस लोकेशन ऑन अ मैप टू हैव यू कीप दैट। कह रहा है कि अगर आप ये फीचर ऑन करेंगे तो आपकी डिवाइस अगर कहीं चोरी भी हो जाती है या कोई गुम हो जाती है, तो जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आप अपने आईडी के जरिए अपने डिवाइस को लोकेट कर सकेंगे। टर्न ऑन लोकेशन सेटिंग्स, इसके लिए लोकेशन सेटिंग भी आपको अपनी ऑन करनी होगी, ठीक है, लोकेशन भी ऑन करनी पड़ेगी, तो वो जाके फिर ये उसको इस तरीके से कर सकेंगे। तो यही था इसका ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ नॉलेजेबल ऑप्शन है जिनको आप अपने हिसाब से जब चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे विंडोज 10 में। बाई डिफॉल्ट ये सारे ऑप्शन ऑन होते हैं एक नए कंप्यूटर में, एक नए लैपटॉप में, फिर हम इनको अपने हिसाब से ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है।